स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज। रेजिडेंट इविल। जिम के स्कूल में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसे ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे, पर गेमिंग की दुनिया कुछ और ही थी। सोल ईटर 21 का यूजर नेम जब भी गेम ज्वाइन करता था तो बाकी प्लेयर्स कांप जाते थे। जिम सोल ईटर 21 यानी जिम भले ही रियल वर्ल्ड में पॉपुलर ना हो, पर वो गेमिंग वर्ल्ड का बेताज बादशाह था। जिम अपने रूम में अकेला बैठकर ईयरफोन्स लगाकर अपने आप को गेमिंग मोड में ले जाता था। हाल ही में रेजिडेंट ईविल फ्रेंचाइज की एक नई गेम लॉन्च हुई थी, जिसे जिम ने लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में खरीद लिया था। उसका प्लान था कि वो पूरी रात उस गेम को खेलेगा। उस रात जब जिम अपने कंप्यूटर पर जब उस गेम को इंस्टॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर खिड़की से दिख रहे बाहर के मौसम पर गई। बाहर पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ही भयानक तूफान आने वाला है। तभी कंप्यूटर से आवाज आई। गेम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका था। जिम का सारा ध्यान अब बस उस गेम पर था। रेजिडेंट ईविल असल में एक ज़ॉम्बी हॉरर गेम था। कमजोर दिल वाले इस गेम को नहीं खेल सकते थे, पर जिम को वो गेम बहुत पसंद था। उसने अपने हेडसेट्स पहने और गेम खेलने लगा। रेजिडेंट ईविल गेम में जिम का कैरेक्टर एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड में फंसा हुआ था। जिम उस गेम में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे इस बात का होश भी नहीं था कि बाहर एक भारी तूफान आया हुआ था। बाहर जोरों से बादल गरज रहे थे। आसमान में कड़कती बिजली भयानक लग रही थी। तभी अचानक से जिम के घर की छत पर बिजली गिरी, पर हैरानी की बात यह थी कि उस बिजली से जिम के घर पर खरोंच भी नहीं आई। बस जिम के रूम में अब जिम नहीं था, उसकी चेयर एकदम खाली थी। जिम की आंखें खुली तो वो एक बंद कमरे में था और उस कमरे के दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीट रहा था। जिम एक बहुत पुराने से लकड़ी के बने घर में था। जिम धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे के गैप से बाहर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उस दरवाजे के पीछे कई अजीब से दिखने वाले लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जिम को लगने लगा था कि वो एक सपना देख रहा है, पर तभी उस लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर एक हाथ अंदर आया और उसने जिम की गर्दन को पकड़ लिया। जिम की चीख निकल गई और उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को उस हाथ से छुड़वाया। जिम समझ गया था कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वो सब सच था। जिम का गला सूखने लगा था। जिम ने एक नजर उस पूरे कमरे पर डाली तो उसे वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी, पर इतने में वो कुछ और समझ पाता। कमरे में लगी खिड़की का कांच टूट गया और उसमें से वो अजीब से दिखने वाले लोग उस कमरे के अंदर आने की कोशिश करने लगे। जिम ने डर के मारे वहां से भागकर खुद को उस कमरे के वॉशरूम में बंद कर लिया। कुछ ही देर में पूरा घर उन अजीब से इंसानों से भर गया था। बाथरूम में छिपकर बैठे जिम को अचानक से रियलाइज हुआ कि वो जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। उसने वो घर रेजिडेंट ईविल गेम के अंदर देखा था। इनफैक्ट उस गेम की शुरुआत भी उसी घर के अंदर से होती थी। जिम तेजी से उठा और उसने टॉयलेट का फ्लश टैंक उठाया और उसके अंदर ठीक गेम की तरह एक गन पड़ी हुई थी। जिम के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन हो गया था कि वो उस गेम के अंदर आ चुका है, यानी जो अजीब से इंसान बाहर थे वो सब ज़ॉम्बीज थे। उस भयानक और डरावने गेम को जिसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर डर लगता है, जिम उसे अब जी रहा था। ये सब कुछ जिम की समझ से परे था।
पर उसे अपनी जान बचानी थी। उसने कांपते हाथों से गन उठाई और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज़ को बाथरूम के अंदर से जिम की स्मेल आने लगी और वो सभी उस बाथरूम के दरवाजे के पास ही इकट्ठा हो गए थे। जिम ने एक बहुत ही लंबी सांस भरी और बाथरूम के दरवाजे के क्रैक से बाहर की तरफ देखा। उन ज़ॉम्बीज के बीचों बीच उसे कमरे में पड़ा एक गैस सिलेंडर दिखा। जिम अपने आप को उस गेम के कैरेक्टर की तरह मानने लगा। जिम ने उस दरवाजे के क्रैक से अपनी गोली का निशाना उस सिलेंडर की ओर साधा और शूट कर दिया। उस घर में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। धमाके के होते ही जिम ने मौका देखते ही दौड़ लगाई और उस घर से बाहर भागा और तब तक भागता गया जब तक वो ज़ॉम्बीज उसे दिखने बंद नहीं हो गए। हाफता हुआ जिम अब एक शहर में पहुंच गया था। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था, तेज हवाएं चल रही थीं और पूरा शहर वीरान था। वो शहर इतना सुनसान था कि मानो सालों से वहां कोई नहीं हो। जिम हाथ में गन लिए एक रोड पर चलने लगा। चलते चलते उसे किसी छोटी लड़की के रोने की आवाज आई। एक छोटी सी गली में एक डस्टबिन के पास बैठी एक छोटी लड़की अपने घुटनों में सर दिए रो रही थी। जिम उस लड़की के पास गया और वो लड़की उसे गले लगा कर रोने लगी। वो कहने लगी कि उसकी पूरी फैमिली पर ज़ॉम्बीज ने अटैक किया है और उसके मॉम और डैड दोनों को ज़ॉम्बीज ने मार दिया। जिम ने उस लड़की को शांत करवाया, लेकिन तभी उसकी नजर अपने दाएं हाथ पर गई। उसके हाथ पर खून लगा था और वो खून उसका नहीं बल्कि उस छोटी लड़की का था। जिम ने तुरंत उस लड़की को खुद से दूर किया और उससे पूछा कि कहीं किसी ज़ॉम्बी ने उसे काटा तो नहीं। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने बालों को अपनी गर्दन से हटाया। तब जिम को जो दिखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लड़की की गर्दन पर एक गहरा बाइट मार्क था और उसमें से पस निकल रहा था। जिम को पता था रेजिडेंट ईविल में अगर कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। कुछ ही सेकंड्स में जिम की आंखों के सामने उस लड़की का शरीर सफेद पड़ने लगा, उसके होंठ सूखने लगे और उसकी हड्डियां चटकने लगी। उसके पूरे शरीर की हड्डियां चटक रही थीं। उसके दोनों हाथ उल्टे मुड़ गए और टांगें टेढ़ी हो गईं। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अजीब सी आवाजें निकालने लगी। वो लड़की अब इंसान नहीं थी बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो चीखती हुई जिम की तरफ आने लगी। जिम के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी गन उस लड़की की तरफ पॉइंट की और जैसे ही ट्रिगर दबाया गन में से गोली ही नहीं चली, वो गन खाली थी। अब आगे क्या होगा? क्या जिम उस गेम से बाहर निकल पाएगा या हमेशा हमेशा के लिए गेम में कैद हो जाएगा? यह था इस स्टोरी का पार्ट वन। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा रेजिडेंट ईविल हॉरर स्टोरी पार्ट टू में, जिसकी वीडियो आएगी अगले मंडे। लेकिन अगर आप आगे की स्टोरी अभी सुनना चाहते हैं तो जाइए हमारे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट द हॉरर शो बाय खूनी मंडे पर, जहां आप हमारी वीडियो से 7 दिन पहले ही हमारी हॉरर स्टोरी सुन सकते हैं। तो रेजिडेंट ईविल हॉरर स्टोरी पार्ट 2 लाइव है स्पॉटिफाई पर, चेकआउट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।